जैसे कई सारी स्पीचेस देखने में मिलती है, तो वो बोलते हैं ब्राह्मणों को बोलते हैं कि ब्राह्मण कहीं मेहनत करके नहीं खाता है, जबकि मेहनत सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना कर्म है, तो उसके हिसाब से सबको काम मिला हुआ देखें, है देखें। तो ब्राह्मण क्यों नहीं मेहनत करके खाते हैं, बहुजन समाज के लोग ऐसा क्यों करते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिएगा बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जी किसी भी ब्राह्मण से जी कोई नफरत नहीं करते, नहीं करते, उसके ब्राह्मणवाद से नफरत है हमें जी। माननीय कांशीराम साहब के अल्फाजों में जी कि हमें मनुवाद से नफरत है जी, क्योंकि मनुवाद की जो परिभाषा है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति सामने बैठे व्यक्ति को नीच ठहराए और अपने को ऊंच ठहराए तो जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड ब्राह्मणचर्य, तो हम उससे नफरत करते हैं जी। और जो आपने कहा कि वो मेहनत का नहीं खाता है जी, तो अच्छा मुझे बताइएगा वो कौन सी वहां पर हथौड़ी चलाता है, कौन सा वहां पर फावड़ा चलाता है, संस्कृत में माँ बहन की गाली देता है, क्या कहता है? अरे मैं तो ताज्जुब में हूं कि मेरे बहुजन समाज के लोग अभी पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं जी। कैसे कि आठवीं फेल पंडित एमए पास जाटव चमार को सतरान की कथा सुना जाता है जी। कमाल की बात है जी। क्या वो तरीका है उसका, क्या रखा है सतरान की कथा में? अरे तुझे टाई सूट बूट मिला बाबा साहेब के संविधान से जी। और कथा सुनता है सत्यनारायण की, तो ये तो बात हमारी समझ में नहीं आती। और वास्तव में जी जो वो तबका है जी जो कथा पे हो करके जी अच्छे कपड़े लत्ते भोजन खाता है जी, तो वो आदमी तो वास्तव में बगैर मेहनत के खाता है जी, धोखाधड़ी का खाता है, झूठ बोल करके खाता है जी। ये मेरे समाज के लोग अभी उनकी संस्कृति नहीं जानते जी। नहीं तो जैसे ही पुरोहित आता है, वैसे तो उनका मैं एक सिद्धांत मानता हूं कि पुरोहित कभी बगैर बुलाए नहीं आता जी। मैं अपनी नालायकी से ही अपने समाज के लोगों के हाँ जी उसको बुलाता हूं जी। और वो जो पहले धागा बांधता है जी, तो वो संस्कृत में श्लोक बोलता है और उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है जी। वो कहता है कि जैसे मैंने तेरे राजा बलि को बांधा था तीन वचनों में, ऐसे मैं तुझे आज बांध रहा हूं जी, तो कुछ बोलेगा नहीं। तो ये धोखाधड़ी हो गई, कहां मेहनत हुई? धागा बांधने में मेहनत होती है क्या? धागे को प्रो प्रो करके कुछ सिलाई करने में या कपड़ा बनाने में तो मेहनत होती है जी। करघा पर जाए, मशीन पर जाए तो ऐसा काम तो नहीं करता है वो। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग तो खैर क्या, लेकिन अब तो उनके ही लोग कहने लगे, ब्राह्मण वंश के लोग ही कहने लगे हैं कि जो प्रोताई का काम करते हैं वो तो मरे का और जिंदे का दोनों का खाते हैं, और जो ऐसा खाता है वो डोम कहलाता है, और जो डोम कहलाता है वो हमारी जाति का नहीं होता है। तो हमसे ज्यादा तो बहिष्कार वो लोग करने लगे। वो लोग करने।